अब आइए बच्चों हम आगे देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में क्या क्या आता है? आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, ओ, औ, अम, आहा। अम अनुस्वार है और आहा विसर्ग। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क्या क्या आता है हम देखते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ड और ढ। ये ड और ढ का ही विकसित रूप है। इनकी गिनती अब व्यंजन में होने लगी है। संयुक्त वर्ण देखिए। संयुक्त वर्ण क्या है? क्षत्रिय के छ, त्रिशूल के त्र, ज्ञानी के ज्ञ, श्र। ठीक है, अब हम पेज टर्न करेंगे। स्वरों की मात्राएं देखिए। यहाँ पे स्वरों की मात्राएं देखिए। स्वर का मात्रा क्या है? अ मात्रा। देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि देखिए क, ल, कल, बिना मात्रा वाले शब्द। च, ल, चल, ब, ल, बल। ठीक है, अब ये देखिए आ की मात्रा। आ की मात्रा में क्या है? क में आ की मात्रा लगा दिए, ल, काल, चाल, ढाल। इस तरह से आप अलग शब्द भी बना सकते हैं। ई की मात्रा देखिए, ये कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा। ठीक है, ख, ख में छोटी की मात्रा, खी, ल, खिल, मी, ल, मिल, ही, ल, हिल। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। ये देखिए बड़ी की मात्रा, मा, मा में बड़ी की मात्रा, मी, न, मीन, बीन, दीन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये उ की मात्रा, ये कौन सी मात्रा है? छोटी उ की मात्रा। क में छोटी उ की मात्रा, को, छ, कुछ, पू, ल, पुल, बु, न, बुन। अब यहाँ देखिए ये बड़ी उ की मात्रा है। ये देखिए बड़ी उ की मात्रा, भू, ल, भुल, फू, ल, फुल, शू, ल, शुल। इसको आप रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए री की मात्रा। देखिए री की मात्रा ऐसी होती है, री की मात्रा हम कुछ जगहों पर लगाते हैं। देखिए क्री, पा, व्री, था, क्री, श, क्रिश, ए, ए की मात्रा, क में ए की मात्रा, के, ल में आ की मात्रा, ला, केला, मेला, चेला। ओके, अब ऐ की मात्रा। ये देखिए ऐ की मात्रा डबल लगाते हैं हम। क में ऐ की मात्रा, कै, स में आ की मात्रा, सा, कैसा, पैसा, वैसा। ओ की मात्रा, ये देखिए ओ की मात्रा, चोर, मोर, शोर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। औ की मात्रा, औ, क में औ की मात्रा, क, न, कौन, मौन, चौक। अम की मात्रा, ये देखिए अम की मात्रा मतलब एक छोटा सा डॉट। अंग, पंख, शंख, अंग, ऐसा। ये जो स्वर हम बोल रहे हैं ये अम की मात्रा हुई। ठीक है, अब आहा, आहा की मात्रा देखिए, प्रा, त, ह, ये देखिए आहा की मात्रा, आ, त, ह, अतः, पुनः। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनें। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 11। 3। अम और आहा क्या है? घ, कुछ नहीं। प्रश्न 4, हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 35। देखिए, आओ करें, नीचे एक टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग टोकरी में रखें। ये देखिए, इसमें सारे वर्ण मिले हुए हैं, इसको आपको ये दोनों अलग अलग टोकरी में लिखना है। ये स्वर है और ये व्यंजन, ठीक है। अब हम ये देखिए पेज टर्न करते हैं। देखिए, स्वर 11 हैं, स्वर 11 हैं और व्यंजन 35। बच्चों, हिंदी में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं, जबकि अंग्रेजी में केवल 26 वर्ण होते हैं। मतलब अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में दुगने वर्ण होते हैं, ठीक है।